वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जेड़े प्रचारक ये समझते ने कि असी सिख होने के नाते गुरु ग्रंथ साहब का जोड़ा फलसफा है वह लोगों तक पहुँचा है, बाबे नानक के फलसफे का प्रचार करना है, उन्होंने दिमाग में मैं सारे प्रचारकों की गल नहीं करता, 90% वह प्रचारक ने जिन्हें दिमाग में खालसा का कीड़ा बढ़िया हुआ, जिन्हें दिमाग में भिंडरावाल की लहर कीड़ा बन के मड़ी हुई है, उन्होंने एक बेनती है कि तुहाडियां जिहड़ियां जा रही ने ना वो मुसलमानों के नाल ने, तुसी जदों पखंड दी गल करदे हो पखंड बात ते बोलदे हो उदों केवल तुहानू हिंदू कम्यूनिटी का पखंड क्यों दिंदा, जे सच बोलना ही है तो फिर जिहड़ी मुसलम कम्यूनिटी हैगी है जिन्होंने चार चार पांच पांच ब्याह करवाए हुए ने, जिहड़े 15-15 न्याणे पैदा करके औरंगजेब का राज लियाना चाहते है, उन्हां बारे क्यों नहीं बोलते। मैं अज स्पष्ट शब्दों में कहना चाहना कि जिन्हें भी सिख कौम के प्रचारक ने उन्हां विचों मैं 90% प्रचारकों नूं यह कहण की कोशिश कर रहा हाँ कि तुसी ये चाहते हो कि असी खालिस्तान जे बनाउणा है तो मुस्लिम कम्यूनिटी के नाल मिल के बनाईए, ये चाहते हो, थोड़े दिमाग में कीड़ा है, ये बहुत बड़ा भुलेख है कि असी मुसलमानों के नाल मिल के खालिस्तान बना लेंगे, बहुत बड़ा भुलेख है, तुहानू पता नहीं हजे खास करके इंडिया दे विच ये 5-5, 6-6 ब्याह करवाई बैठे हैं, 15-15, 20-20 न्याणे ने एक दे अपनी आबादी पापुलेशन बधाई जाते हैं, मतलब आने वाले 15-20 साल चाहते ने कि जिमें औरंगजेब का राज आया से ना उदा ही राज आए, तो औरंगजेब ने सब तो वध जे अत्याचार किया है तो सिख गुरु साहबान पर किया है, सिख कौम पर किया है, ये कोई शक है? किनिया लड़ाइया किनिया जंगा गुरु साहब ने लड़िया ने औरंगजेब के नाल, किड़ी बड़ी टक्कर सी, उहदे विच सब तो वध नुकसान किहदा होया, सिख कौम का होया, साढ़े सिखां का होया, सिरां दे मुल मुसलमान राज दे विच पाए गए ने, यह सच्चाई है जां झूठ है? अज भी साढ़े प्रचारक मुसलमान के खिलाफ अपनी जबान नहीं खोलते, अपना मूँह नहीं खोलते, हिंदू कम्यूनिटी को ज़्यादा टारगेट करते। मैं स्पष्ट यह किया कि सानू औरंगजेब का राज नहीं चाहिए, औरंगजेब का राज तो भाव साढ़े प्रचारक ये मुसलमान कम्यूनिटी जिथे अत्याचार करती है उत्थे बिल्कुल भी जवान खोलन नूं तैयार नहीं, ये सच्चाई है। मैं इत्थों तक भी कहण नूं तैयार हाँ कि पंजाब दे विच भी वध तों वध आबादी वधाई जावे, ये मुसलमानां दी इक पॉलिसी है, तुसीं जिथे भी रहिंदे ने जाके देखो किन्ने किन्ने ब्याह करवाए ने, किन्ने किन्ने बच्चे इन्हां दे, इन्हां दे कारोबार किदां दे, पर असी कुंभकर्ण वाली नींद सुते हुए हैं, सानू समझ नहीं आ रही साढ़े प्रचारकों दी जा रही इन्हां नाल ने, खालिस्तानियों ने जा रही पाकिस्तान दे नाल जुड़दियां ने ISI दे नाल, जिहड़े साढ़े सिख प्रचारक ने ज़्यादा तौर पर 90% वह भी जा रही पाई बैठे, कदों बोलोंगे? जिहड़ा साढ़े सिख गुरु साहिबान दे नाल अत्याचार होया जुल्म होया वह भुल गए, कोई चेते है किसी नूं? दोबारा फिर चाहते हैं कि औरंगजेब का राज आवे
असीं जुत्तियां खाई इन्हां दे कोलों, पहलां खादियां ने हुण भी उही लक्षण ने साडे। जिन्ने भी खालिस्तानी किसी भी कंट्री विच बैठे ने इन्हां दी सब तो ज़्यादा नेड़ता जिहड़ी आ मुसलमानां दे नाल, इह सच्चाई है। ते मुसलमान की चाहुंदे आ, वह चाहुंदे आ कि औरंगजेब वाला राज दुबारा आवे, तो फिर छित्र किहदे फिरना है? जिन्होंने जारियां लाइया हुई वह कौन ने? खालिस्तानी ने। यह गल मैं अब स्पष्ट कर दी है कि सानू औरंगजेब के राज की लोड़ नहीं। ये थोड़ा जा कान विच गल पा लैन साडे प्रचारक जिहड़े 90% बिना किसी तत्थ तो गल करते हैं, केवल हिंदू कम्यूनिटी टारगेट करते हैं। एक कान विच गल पा लो, हिंदू तो जी पखंड करते हैं, तो असी जिहड़ा पखंड करते हैं सानूं चेते नहीं। ये बेनती मैं तां कीती है क्योंकि कुछ प्रचारकां दीआं मैं गल्लां बातां सुन रहा, वो किस तरीके नाल गलबात करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।